नोहितापुर पब्लिक स्कूल सुसुहाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री कृष्णा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक ए के वर्मा के द्वारा माँ सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण तथा कृष्ण झांकी के अनावरण के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों का स्वागत संबोधन समन्वयक ए के वर्मा ने किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग को लेकर गीत संगीत नाटक तथा भाषण प्रस्तुत कर उपस्थित बच्चों का तथा लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तुत किया। इन सभी मनोरंजक कार्यक्रमों में जान्या, अग्रिया, वैष्णवी, दिव्यांशी, श्रेया, साक्षी, आराध्या, यशिका ने भाग लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने विचारों को अवलोकित करते हुए सभी को जीवन के संघर्षों तथा बाधाओं को पार करने तथा विजयी बनने हेतु श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जीवन दर्शनों को समझाया तथा शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन शिक्षक आनंद कुमार तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन छात्रा नैना व सोनाक्षी ने किया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बच्चों द्वारा कराया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली और कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मोत्सव का एक झांकी तैयार किए और साथ में बच्चों ने कुछ रंगारंग कार्यक्रम दिया, जिससे ये अपने खुशी के माहौल शो किए और रंग बिरंगे कपड़ों में तैयार होकर बच्चों ने अपना भिन्न भिन्न प्रकार से कोई कृष्ण जी बना तो कोई कुछ बना, ऐसे ये नाट्य प्रस्तुत किए, दिखाए कि ये मंचन कैसे होता है। और यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य और कुछ अध्यापक अध्यक्षाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया गया और अपने धर्म के बारे में ये जानने का प्रयास किए बच्चे कि हमारे धर्म में इसका क्या महत्व है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी प्रधानाचार्य ने बताया काफ़ी विस्तृत रूप से। हम काशीवासियों से अनुरोध करते हैं कि इस प्रोग्राम को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शांतिपूर्वक।